Hey, what's up people, good morning. It's time to say goodbye to Leh. और अपना बाइक अभी रेडी हो गया है और ये था अपना स्टे का होटल आयन हॉलीडेज ना आयन गेस्ट हाउस जो कि लेह के एकदम नज़दीक जो सर्कल है वहाँ पर ही है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर चाहिए रहेगा तो दे दूँगा। बाकी अभी फटाफट निकलते यहाँ से और मिलते बाइक पर क्योंकि लेट हो गया और खाना भी खाना है अभी आगे जाके। ऑल सेट, निकलने का टाइम आया, अभी ये रूम छोड़ने का टाइम। चलो आंटी आते हैं, बाय चलो चलो तो निकलते हैं यहाँ से अभी। गुड बाय ले लद्दाख, मिलते अगले साल पॉसिबल हुआ तो स्पीति के लिए। और ये रहा चौक और वहाँ पर अपना होटल बहुत ही नज़दीक सर्कल से एकदम नज़दीक था। ये देखो ये है सर्कल लेह का, ये रोड जाता है कारगिल की ओर, वो रोड जाता है लेह के अंदर मार्केट की ओर। अभी यहाँ से कारगिल लगभग 200-220 रहेगा, समथिंग 4-5 घंटे के ऊपर लगेगा। सो फाइनली अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गया है। रिटर्न जर्नी मतलब हाफ ऑफ द रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गया है। एक्चुअल में श्रीनगर से स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ से ले छोड़ने का टाइम आया, मतलब ले से रिटर्न निकलने का टाइम हो गया। अभी यहाँ से कारगिल, कारगिल से श्रीनगर, श्रीनगर में दल लेक के यहाँ पर रुकेंगे और कारगिल में कहीं तो देखते, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। जैसे शाम हो जाएगा वैसे अपन कुछ तो करेंगे। और श्रीनगर के बाद का जो प्लान है अपना वो शायद अपना वाघा बॉर्डर या तो फिर अमृतसर का है, तो वो वर्कआउट कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो कल या तो परसों देखते। अभी पहाड़ों से थोड़ा दूर जा रहे हैं अपन, और एक दो दिन पहाड़ मिलेंगे उसके बाद नहीं मिलेंगे। सो फाइनल बाय टू लेह का माउंटेंस, माउंटेन जर्नी अपना ख़त्म हो रहा है। अभी यहाँ पर कहीं तो एयरपोर्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट विजयक, वेलकम टू लद्दाख रीजन। ले छोड़ के अभी लद्दाख के अंदर एंटर कर रहे हैं। अभी और कल का जो स्टे था अपना बहुत ही अच्छा था, बहुत मतलब वो जो अंकल आंटी थे एकदम ही मस्त थे, बात करने के लिए भी अच्छे थे और खाना वगैरह पूछ भी रहे थे हम लोग को। लेकिन हम लोग कल मार्केट में थे इसके लिए नहीं खा पाए उनके पास, लेकिन उन्होंने सुबह सुबह हम लोग को चाय के साथ पराठा दिया, प्लेन पराठा जो कि बहुत था, और प्लेन पराठा दिया और उसके साथ जैम भी दिया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री था हम लोग के लिए। और ये रहा ये डिपार्चर लेह का। ये देखो ये है हॉल ऑफ फेम, और ये देखो वायुसेना स्टेशन। वाओ सही है यार, ये रियल वाला है कि क्या पता नहीं, या तो सिर्फ ऐसे दिखाने वाला रखा है, लेकिन जो भी है मस्त दिख रहा था। सो वी आर एट मैग्नेटिक हिल, यहाँ पर बोलते कि गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। सो लेट्स सी सच में जाता है कि नहीं जाता है।
क्या होता है। अब यहाँ पर रुकते थोड़ा और देखते। गाडी तर अशीच जाईल ना, अशी वरती चढते गाडी। मैग्नेटिक हिल जितना हम लोग ने सुना है उतना वैसा तो कुछ महसूस हम लोग ने किया नहीं। वो बॉक्स जो बनाया गया है उसमें भी गाड़ी पार्क करके देखा है लेकिन कुछ अपने को इफेक्ट लगा नहीं उसका। ये देखो इसे बोलते हैं पागलपंती। इतना भी ना करो कि अपने लाइफ के साथ खेल लो। सनरूफ होता तो बात अलग है। और 48 किलोमीटर्स हो गया अभी और खाने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं है यहाँ पर। जहाँ देखो आप सिर्फ पहाड़ी है। यहाँ पर कुछ ना बस्ती है ना कुछ, ना एक दो बीच में गांव लगे थे लेकिन खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उससे भी आगे कहीं तो मिली 7 किलोमीटर के बाद, क्योंकि चिलिंग यहाँ से है 7 किलोमीटर। और आज सब सामान लेके निकले तो थोड़ा गाड़ी हैवी लग रहा है क्योंकि 2-4 दिन हम लोग बिना सामान के ही घूम रहे थे। दोनों टाइम पे गाड़ी चलाने का अलग मजा है। जब गाड़ी फुल्ली लोडेड रहता है तो एकदम मस्त दबके चलता है और जब खाली रहता है तब साइडलिंग राइडिंग करने में और ज़्यादा मजा आता है। स्टेबल रहता है सर, जब फुल्ली लोडेड गाड़ी रहता है ना तो गाड़ी स्टेबल रहता है एकदम। लेकिन उसमें भी एक ये है कि अगर दोनों साइड में पैनियर या तो जो भी साइडल बैग रहेगा वो अगर इक्वल वेट में रहेगा तो ही मज़ा आता है। जैसे कि देखो अभी मैं गाड़ी छोड़ दूंगा तो भी सीधा सीधा गाड़ी जाएगी। इसके लिए वेट मैनेजमेंट जो है आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा, अगर पैनियर यूज़ कर रहे हो तो, या तो फिर लॉन्ग राइड कर रहे हो सैडल बैग रहेगा तो भी आपको वेट मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। A few moments later. ये देखो क्या व्यू है, व्यू बहुत बढ़िया। तो कभी तक खुलेगा? कभी वो करना रे? कभी खुलेगा ये? अभी नहीं खुलेगा ये। तो बना ही नहीं ना रास्ता, 10-15 किलोमीटर बना। तो ये रास्ता हम लोग कौन सा भटक गया क्या सर? हो सकता है लेकिन वहाँ बोर्ड में कुछ हुआ लेकिन तो अभी तैयार नहीं हुआ ना रास्ता। तो अभी कैसे जाए पीछे पे? नींबू जाना है, नींबू से सीधा। हाँ जाना सीधा कर, उधर से सीधा रास्ता नीचे वाला नींबू से। वही है ना सर, मुझे एक और गाड़ी दे सकते हैं। नहीं रस्ता भटकायचा होता तर इथेच भटकायचं होतं। आधी जरी भटकलं असतं चाललं असतं थोडं जवळ। लय बेकार रस्ता, पण इकडून लय लांब पडेल सर तुम्हाला। थोडंसं आपण 50-70 किलोमीटर जास्त पडतं पण तिकडे 160 किलोमीटर रस्ता खराब आहे। रस्ता तर कच्चा आहे, हा चांगला आहे बोलतात। यहाँ पर रास्ता भटक गया अभी 35 किलोमीटर अपन रास्ता भटक गए। अभी वापस फिर से जाना है पीछे। नींबू क्या है, नींबू
नीमू के यहाँ पर वहाँ से फिर अपने में जाना सीधा निकलते अब वो 35 किलोमीटर अब वो 35 किलोमीटर इंटू 2 क्योंकि आने का 35 जाने का 35 70 किलोमीटर का अपना लॉस हुआ है आज ऑलमोस्ट 2 घंटे का 2 घंटे का लॉस मतलब बहुत होता है बहुत मतलब बहुत होता है। ये देखो यहाँ हो रही है रिवर राफ्टिंग वो देखो इसे कहते हैं रिवर राफ्टिंग। तो ये आए अपन वो मोड़ पर जहाँ पर ये बोर्ड लगा था कि श्रीनगर के लिए लेफ्ट। अब आपको बताते हैं वो टर्न यह आया ऊपर से हाईवे और यहाँ हम यू टर्न मार के नीचे नीचे की ओर आ गए। ये बोर्ड था वो श्रीनगर लेफ्ट ले राइट। तो यहाँ हुई हमारी गलती हम लोग ने सीधा जाना चाहिए था लेकिन ले लिया लेफ्ट। तो अगर वो बोर्ड लगाना है तो थोड़ा पीछे लगाओ ना ताकि ऊपर से जो आ रहे हैं उन लोग को ऐसा ना लगे कि राइट में जाना है लेफ्ट में जाना है। एनीवेज वी आर इन नीमू अभी यहाँ पर जो भी पहले रेस्टोरेंट लगेगा ढाबा लगेगा जो भी लगेगा खा लेंगे क्योंकि भूख तगड़ी लगी एकदम तगड़ी मतलब तगड़ी। तो देखते कुछ खाने के लिए यहाँ पर खाते हैं अपन थोड़ा बहुत कुछ तो चिकन फ्राइड राइस वगैरह कुछ तो खाते। और यह अपना खाना रेडी है ये है मोमोज और ये चिकन फ्राइड राइस और वहाँ से और नूडल्स भी आ रहा है 2 नूडल्स बोले एक राइस बोले। तो अभी खा लेते फटाफट और निकल दे क्योंकि लेट हो गया। एक नूडल्स और ये अपना हो गया ब्रंच और हम लोग फिर से निकल लिए। अभी 100 किलोमीटर के बाद फ्यूल अप करना है तब तक अपन जाएंगे स्ट्रेट पल्टन कारगिल इज 207 किलोमीटर जम्मू इज 687 207 किलोमीटर करने में जाएगा अपना 7-8 तो बज ही जाएगा। लेट्स सी जितना फटाफट होगा उतना फटाफट कवर कर लेंगे और अभी टाइम है दोपहर के 3 वैसे तो 7 बजे तक करना चाहिए लेकिन स्टॉप वॉप पकड़ के 8 बज जाएंगे कारगिल। और यहाँ पर लिया गया है फ्यूल स्टॉप आगे मालूम नहीं कितना दूर है कितना नज़दीक है देखते फ्यूल अप करते फिर मिलते।